नमस्कार बच्चों, मैं नीलू महिपाल, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महामारा, जिला दुर्ग से, SCERT रायपुर द्वारा संचालित इस राज्य स्तरीय ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 7 पाठ 9 त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारे लाल सिंह के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि प्यारे लाल सिंह के विषय में, और चूंकि यह पाठ जो है छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है, इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति एवं उसके परिवेश के बारे में भी हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे, और इससे हमारी जो छत्तीसगढ़ी की जो समझ है वह और भी अच्छे से विकसित होगी। बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से महान जो विभूतियाँ हैं उन्होंने हुए हैं, उनमें से एक थे त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारे लाल सिंह। और ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कार्य इन्होंने किए हैं, और इन्हीं छोटे छोटे कार्यों के बदौलत ही जो ठाकुर प्यारे लाल सिंह हैं वो जो है अपने कार्यों के द्वारा महानता के शिखर तक पहुँचते हैं। तो बच्चों, हमर समाज देश ला जब कोनो बदलाव के आवश्यकता होते था कोनो महापुरुष के जन्म होते, ऐसने ही हमार छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान के दुख पीड़ा ला हरे बर अपन जिंदगी ला खुआर करैया, खुआर मने न्यौछावर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रवि शंकर शुक्ल, ऐसे अनेक महापुरुष यहाँ पर जन्म लिए हैं। तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह एक ऐसे व्यक्ति रहिन जेन यहाँ के किसान और मजदूर के खुशी के कारण अपन जिंदगी ला दांव पर लगा दी। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम। कई जुगले ओ मन सुरता करे जाथे जेन हा समाज और देश के खातिर अपन सब कुछ निछावर कर देते, ओ मन अपन जिंदगी के पलछिन ला समाज के निर्माण मा लगा देते। ओ मन समाज ले कुछु नहीं लेवाय, सिर्फ दे भर जानते, ऐसन त्यागी पुरुष दुर्लभ होते, और ठाकुर प्यारे लाल सिंह वैसने दुर्लभ पुरुष मा एक जन रहिस। तो बच्चों, इसमें कुछ छत्तीसगढ़ी शब्द आए हैं, उसके हम कुछ शब्दों के हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। सुरता, सुरता का हिंदी में अर्थ है याद, और निछावर समर्पित, और सिर्फ जो शब्द आया है उसका हिंदी में होगा सिर्फ और केवल, वैसने वैसे ही, और युग अर्थात हिंदी में इसका होगा युग। तो बच्चों, यहाँ पर जो ठाकुर प्यारे लाल सिंह जो है वो के बारे में बता रहे हैं कि कई युग से ऐसे लोगों की इस देश में आवश्यकता होती है, और ऐसे जो लोग हैं वो अपने देश के खातिर अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी का एक-एक पल, एक-एक जो पल है अपनी जिंदगी का, वह अपने देश के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के निर्माण में लगा देते थे। और यहाँ पर जो ऐसे महापुरुष हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, वो अपने समाज से इसके बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं, सिर्फ उनको अपने समाज को, अपने देश के लोगों को जो है देने के लिए ही जाने जाते हैं। तो ऐसे ही जो दुर्लभ पुरुष हैं वो है हमारे ठाकुर प्यारे लाल सिंह, जिनमें से इन्होंने एक ऐसा ही निस्वार्थ भाव से लोगों के जनसेवा के लिए उन्होंने कार्य किया। आइए जानते हैं उसके बारे में आगे हम। और छत्तीसगढ़ के संगे संग जम्मू देश के कल्याण खातिर ओमन जेन बलिदान करी ओकरे सेती ओमल्ला जीते जी आत्मा त्याग मूर्ति कहे जाए लागिस। तो बच्चों, यहाँ पर ठाकुर प्यारे लाल सिंह को त्याग मूर्ति क्यों कहा गया, आपको समझ में आ रहा है इसे? तो जीते जीत, इसका अर्थ है बच्चों हिंदी में जीवित रहने तक। तो छत्तीसगढ़ के संग है ना, जो हमारे देश के जितने भी लोग हैं है ना, उन्होंने देश के कल्याण के लिए, अच्छे कार्य के लिए अपना जो है जीवन बलिदान कर दिया, ठीक है, इसी कारण से जो है त्याग मूर्ति कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसमें
छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझैया पहली नेता मनमा ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाव बड़ सम्मान के साथ लिए जाते। ओमन किसान मजदूर बनिहार मल्ला सकेल के उकर अधिकार के रक्षा पर अंग्रेजी सरकार के संग लड़ाई लड़े और कई बेर जेल गए। कई बेर मतलब कई बार, ठीक है। तो बार यहाँ पर जो त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के खातिर वह उसके साथ अंत तक वो जो है जुड़े रहे, और इसी कारण से अनेकों उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, इसलिए उनका जो नाम है बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो मजदूर वर्ग है, जो बनिहार वर्ग है, मजदूर है, उन सभी को इकट्ठा करके उनके अधिकार के लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार के साथ क्या करी, लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते लड़ते क्या हुए, उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव के दहियान गांव के ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में होए रहिस। तो बच्चे बताइए ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव हाँ, राजनांदगांव के दहियान गांव में है ना, ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में उनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का क्या नाम था बताइए, इनकी माता का नाम? श्रीमती नर्मदा देवी। ठीक, बहुत बढ़िया। ठाकुर साहेब जब 16 साल के रहिंदा उकर बिहाव रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह के बेटी गोमती देवी के संग कर देगी। बिहाव मतलब समझ में आ रहा है, बिहाव मतलब विवाह, ठीक है। रायपुर के सरकारी हाई स्कूल जो कि अब शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, वहां से मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास की। तेकर पाछू नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज ले इंटरमीडिएट करें। इही बीच में पिताजी के अचानक देहावसान मतलब आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक है, के कारण उकर पढ़ाई में बाधा आ गई। बच्चों आप देखते हैं, अपने आसपास भी देखते होंगे, या आपने अपने परिवार में आस पड़ोस में देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसके कारण हम जो सपने देखे रहते हैं, है ना, हम अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत सारी चीजें सोचे रहते हैं, वो अचानक से जब अपने परिवार के किसी सदस्य की कमी के कारण, है ना, उनके अकस्मात चले जाने के कारण कुछ ना कुछ हमारे सामने समस्याएं आ ही जाती है। तो वैसे ही प्यारेलाल सिंह के सामने भी कुछ समस्याएं आई। इन्हीं कारण ओ मन घर लौट गए, फिर आगू पढ़े के ऊपर इच्छा बने रही, और इस कारण से फिर वो वहां से अपने वापस आ गए। और लेकिन उनकी जो पढ़ने की इच्छा है वो वहां पर समाप्त नहीं हुई, और वो आगे पढ़ने के लिए उनकी इच्छा जो है आगे बनी रही। ठाकुर प्यारेलाल सिंह खूबेज गुणवान रही। गुणवान मतलब गुणवान किसे कहेंगे हम, गुणवान छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना आप अपने घर में, छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं आप अपने घर में, अपने सहेलियों के साथ, अपने माता पिता के साथ बोलते हैं कि नहीं? छत्तीसगढ़ी समझ में आ रहा है आपको, जो बच्चे जुड़े हैं इसमें? अच्छा, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह खूबेज गुणवान रहीस मतलब बहुत बुद्धिमान थे, गुणवान थे। ओमन बीए की परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले 1961 में वकालत के परीक्षा घलो पास करें, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने बीए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1961 में पास कर लिया, ठीक है। पढ़ाई के संगे संग, संगे संग मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में उकर मन निस्दिन लगे रहे, कि पढ़ाई के साथ साथ उनका जो मन है हमेशा प्रतिदिन खेल कूद में भी लगा रहता था। क्या आपका मन खेल कूद में रहता है पढ़ाई के साथ साथ? और क्या क्या आपको मन करता है पढ़ाई के अलावा? और क्या क्या मन करता है आपको इसके अलावा, पढ़ाई के कार्य के अलावा और क्या करना चाहते हैं आप? आपकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ लक्ष्य बनाया है आपने, कुछ सोचा होगा कि आगे आप क्या करेंगे, किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे पढ़ाई के अलावा? बताइए बताइए, किस चीज में रुचि है आपकी पढ़ाई के अलावा? खेल हो सकता है, और क्या हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कुछ सोचा है आपने पढ़ाई के अलावा और क्या रुचि है आपकी? बताइए,
जल्दी बताइए बच्चों, कुछ रुचियां होगी आप सभी की, बताइए। कुछ सोचा होगा आपने कि पढ़ाई के अलावा आप और भी चीजें करेंगे पढ़ाई के साथ साथ? नहीं सोचा हाँ, है? क्या पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करेंगे। करेंगे? चलिए सोच के रखिएगा। अगर नहीं सोचा है आपने कि पढ़ाई के अलावा भी आप और कौन कौन से कार्य करेंगे, क्या क्या आपकी रुचियां हैं, तो उसे जरूर आप सोच कर रखिएगा और उसके बारे में अपने घर पे बात कीजिएगा। जेन खिलाड़ी भावना उकर खेल जीवन मा पनपीस, ओहा सार्वजनिक जीवन मा पनपीस, ओहा सार्वजनिक जीवन मा घलो बने रहीस। तो जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह है उन्होंने खिलाड़ी भावना, तो जब आप कोई खेल खेलते हैं तो क्या आपके अंदर क्या होना चाहिए, उसके जो नियम है ना, वो आप सभी को पालन करना होता है। जब आप कोई खेल खेलते हैं तब क्या होता है, बहुत सारे नियम होते हैं और आप उसके पीछे जीतने के लिए क्या करते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं, अपनी सारी ताकत आप उसमें झोंक देते हैं। तो इसी तरह से खिलाड़ी भावना की तरह ही जो है प्यारे लाल सिंह, जो उन्होंने भी सार्वजनिक जीवन में भी उसी भावना को बनाए रखा, उसे छोड़ा नहीं। जैसे खेल के मैदान में जी जान ले लगे रहे, वो इसने राजनीति में घलो जम के डटे रहे, और आजादी के पाछू जनता के हित के रक्षा बर दिन रात लगे रहे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि प्यारे लाल सिंह जो उन्होंने खेल भावना खिलाड़ी भावना उनके अंदर जो भरा हुआ था पनपा था, वो उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में भी उसको बनाए रखा। जब वो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तब भी वो जनता के हित के लिए, लोगों के हित की रक्षा के लिए उन्होंने उस भावना को हमेशा बनाए रखा, उन्होंने वहां पर भी अनुशासन बनाए रखा। तो अपने जीवन में भी हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अनुशासन बनाए रखना चाहिए और एक खिलाड़ी के अंदर जो खिलाड़ी भावना होना चाहिए उसे भी हमको अपने जीवन में साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम सफलता की ओर सही मायने में अग्रसर हो पाएंगे और उसका परिणाम भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। अंग्रेजी शासन काल में देश के स्वदेशी आंदोलन के लहर चले रही, ठाकुर साहेब राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हुए गिन, और राजनांदगांव के संगे संग तीर तखार के गांव में घलो राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम शुरू कर दिन, वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना के गीत बन गए रही। ठाकुर साहेब पढ़ैया लड़का मन के टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगावे। तो बच्चों यहाँ पर तीर तखार मतलब आसपास, बोलते हैं आप, बोलते हैं ना घर में तीर तखार के होई, ठीक है, तो इसका मतलब है आसपास। और विस्तार, विस्तार मतलब हिंदी में क्या होगा इसका, विस्तार या फैलाव। तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने अंग्रेजी शासन काल में भी देश के स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया है ना, और वो इस तरह से राजनांदगांव में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ वहां पर भी वो शामिल होने के लिए गए, और वहीं पर आसपास के गांव के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने राष्ट्रीय चेतना का विस्तार किया, फैलाव किया, और इस तरह से उन्होंने उस आंदोलन को शुरू किया। वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना के जो गीत बना हुआ था उसको गाते हुए वो उस आंदोलन में आगे बढ़े। ठाकुर साहब जो है वो पढ़ने वाले जो लड़का मरे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, ठीक है, जैसे आप सभी हैं, तो ठाकुर साहब उन्होंने पढ़ने वाले बच्चों की एक टोली एक समूह बनाकर वहां पर उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया। आगे चलते हैं। कानून के पढ़ाई पूरा करे के पाछू 1916 मा ओमन वकालत शुरू कर दी, वकालत ला ओमन समाज सेवा के रद्दा बनाई, गरीब और कमजोर मनखे मल्ला नियाव बर खुबेज काम करे, राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूर मल्ला हक दिवाए बर ठाकुर प्यारे लाल हा 1920 मा सबो मजदूरला एकजुट करके हड़ताल करा दी, मिल मजदूर मन के मांग पूरा होए के पाछू आंदोलन खत्म होइस। ये है देश में सही ढंग ले चलाए गए संगठित मजदूर मन के पहली सबले लंबा हड़ताल रहीस, जिन्हा 36 दिन ले चलीस। तो बच्चों यहाँ पर आया है रद्दा, रद्दा किसको कहेंगे हम बताइए, रद्दा किसे कहेंगे, रास्ता, और रास्ता नियाव, नियाव हिंदी में होगा न्याय, ठीक है। तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह जो है 1916 में कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू कर दी, और वकालत उन्होंने समाज सेवा के साथ वे आगे बढ़े, उन्होंने गरीब और जो कमजोर व्यक्ति थे उन
उन सभी के न्याय के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। राजनांदगांव के बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल है ना, के मजदूर वहां पर जो कार्य करते थे उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1920 में वहां के सभी मजदूरों को एकजुट करके वहां पर क्या करा दिया, एक दिन हड़ताल करवा दिया। और उस मिल में काम करने वाले जितने गरीब मजदूर थे उनकी मांगों को, उनके अधिकारों को पूरा करने के लिए उन्होंने वहां पर क्या किया, कार्य किया। और कार्य करते करते जब उन्हें सफलता मिली उसके बाद जो है वह आंदोलन खत्म हुआ। तो यह जो आंदोलन था जो कि सभी वहां के मजदूरों को एकत्रित करके संगठित करके है ना सभी के साथ चलाया गया था, ये जो सबसे लंबा हड़ताल था जो कि 36 दिन तक चला था। चलिए आगे देखते हैं कि 1920 मां कांग्रेस आ अंग्रेजी शासन के विरोध मां असहयोग आंदोलन शुरू कर दी, ये मां ठाकुर प्यारेलाल सिंह घलो कूद गए। गांधी जी के कहना मां ओमन 4 साल ले सरलग वकालत नहीं करीन, ए समय मां ठाकुर साहेब राजनांदगांव के तीर तकार मां जन जागरण के खूब काम करीन, और राजनांदगांव मां राष्ट्रीय विद्यालय खोलीन। खादी के महत्तम के प्रचार करे बार ठाकुर साहेब खुद चरखा चलावे और दूसर मल्ला घलो सिखावे। तो 1920 में जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह अंग्रेजी शासन के विरोध में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया और इसमें जो है वो भी साथ चले। और गांधी जी के कहने पर 4 साल से लगातार है ना उन्होंने वकालत की, और इस समय में ठाकुर साहब जो है उन्होंने राजनांदगांव के आसपास के जो लोगों के साथ जन जागरण का कार्य बहुत तेजी से जोरों से चलाया, और इस प्रकार से उन्होंने राजनांदगांव में एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला और खादी के महत्व का उन्होंने प्रचार करके खुद स्वयं वह चरखा चलाते थे और दूसरे लोगों को भी वह चरखा चलाकर सिखाते थे। रायपुर हा आजादी के लड़ाई के बड़े जन जगह बन गए रही से। तो यहाँ पर उस समय जो है रायपुर जो है आजादी के लड़ाई लड़ने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा ये एक जगह बन चुका था। यहाँ ठाकुर साहब के पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी और बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव जैसे कई जन देश भक्त साहित्यकार मल्ले मेल मिलाप होइस। और इस प्रकार से यहाँ ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो है मेल मिलाप जो किस किस से मिलना हुआ उनका, पंडित माधवराव सप्रे से, इस प्रकार वो उन्होंने रामदयाल तिवारी जी से मिले, मौली प्रसाद श्रीवास्तव जी से मिले, और इस प्रकार से और भी जो देशभक्त व्यक्ति थे है ना साहित्यकार थे उनके साथ यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। गांधी जी के अगुवाई माँ 1930 माँ अंग्रेज मन के विरोध माँ सत्याग्रह शुरू हुई, ता ठाकुर साहेब तन मन धन ले ओ माँ जुड़ गए। छत्तीसगढ़ मां ये मन आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। धमतरी के बनवासी मल्ला उगर हक दिवाए खातिर और अंग्रेजी सरकार ला लगान नई दे के मुहिम भलो शुरू करे, ये अंग्रेजी सरकार ला सीधा ललकारना रहीस, एकर सेती ठाकुर साहेब ला 1 साल के सजा हुई। तो इस प्रकार से बच्चों गांधी जी के अगुवाई में उन्होंने नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजों के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया जिसमें ठाकुर साहब भी तन धन से उसमें जुड़ गए और छत्तीसगढ़ में आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। धमतरी के जो लोग थे उनके हक के लिए, उनके हक को दिलवाने के खातिर अंग्रेजी सरकार ला लगान नहीं देना है इसका उन्होंने एक मुहिम चलाया, एक अभियान चलाया, और इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी सरकार को सीधा ललकारा। और इसके कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कितने साल की सजा हुई इस आंदोलन के कारण, 1 साल की सजा हुई। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1932 के दिन गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह बहुत कड़क भाषा में है ना भाषण दिन, तेका सेती ओ मल्ला पकड़ लेगीस और 2 साल के सजा सुनाएगीस। उकर सरी संपत्ति ला सरकार हा कुर्की कर लीस, उमल्ला और ज्यादा सजा दे खातिर उनकर वकालत के सनद घलो जपत कर ले गीस। तो 26 जनवरी 1932 के दिन रायपुर के गांधी चौक में जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने एक बहुत ही
कड़क शब्दों में तेज तरार तरीके से उन्होंने वहां पर भाषण दिया, और इसके कारण से उनके कठोर शब्दों को सुनकर उनको पकड़ लिया गया और उसके कारण उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। और उसी कारण से उनकी संपत्ति को भी सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया, कुर्की कर लिया गया, और उनको सजा दिलाने के खातिर है ना, उनकी जो वकालत करके जब आए थे तो उनको जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो उन्हें मिला था है ना, सनद मिल मतलब प्रमाण पत्र, तो उसे भी क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सन 1933 से 1937 तक ठाकुर प्यारे लाल सिंह महाकोशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहीं। इसी समय मा ओमन कई ठन योजना बनाई, अछूत मन के उद्धार बर काम करें, हिंदू मुसलमान भाईचारा खातिर घलो काम करें, रायपुर मा ओमन मोमिन बुनकर ला एकजुट करके उनला बने मजदूरी दिवाए के काम करें। गीता और कुरान दोनों के ठाकुर साहेब जो है विद्वान थे, वो गीता भी पढ़ते थे और कुरान भी। अपन एक ज्ञान के उपयोग ओमन समाज मा तालमेल बढ़ाए बर करते रहे। तो गीता और कुरान जब ठाकुर प्यारे लाल सिंह पढ़ते थे तो उससे जो वो सीखते थे वो सारे चीजों का उपयोग वो समाज के लोगों के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए, उनके अधिकारों को लड़ने के लिए उसका उपयोग वो वहां पर करते थे। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रह समय ठाकुर साहब पहली बेर मतलब पहली बार 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश के सबले ज्यादा जन नेता मन इकर नाव गिने जाए ओमन तीन बेर मतलब 3 बार रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बेर विधायक चुने गए। 2 बेर मतलब 2 बार विधायक बने और 3 बार नगर पालिका रायपुर के अध्यक्ष। उस समय के सीपी बरार मा जब कांग्रेस के अंतरिम सरकार बनी ता डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल मा ठाकुर प्यारेलाल सी जो है उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना इकर अगुवाई में करेगी जिन्हा छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू करे। कौन सा कॉलेज की छत्तीसगढ़ शुरुआत की गई, छत्तीसगढ़ कॉलेज की। वह छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रही, मतलब ये जो छत्तीसगढ़ कॉलेज है वो छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय था जिसकी स्थापना की गई थी। आज यह है प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हवे। तो आज ये वर्तमान में जो है इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रमुख महाविद्यालय की गिनती में है। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास करे मा ठाकुर प्यारे लाल सिंह भारी सहयोग दी। 6 जुलाई 1945 मा तब 6 जुलाई 1945 मा ओमान छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ के नींव रखी। गरीब मजदूर किसान और आदिवासी मन के ओमान मुक्ति दूत बन गए रहीन है। उनके मुक्ति दूत कैसे बन गए, उनकी पीड़ाओं को, उनके दर्द को, उनकी जो समस्याएं थे उनको उन्होंने दूर किया, इसलिए कहा जा रहा है कि वो उनके मुक्ति दूत बन गए, उनसे उनकी मुक्ति दिलाने वाले। ठाकुर साहब के त्यागी तपस्वी और जन नेता के एक ठन गजब रूप रही। भूमिहीन खेतीहर मजदूला भू स्वामी बनाए के परम के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति के ठाकुर साहेब सिपाही बन गए। ओमन जेन गांव मा जाए वहां माल गुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान कर देवाए। इन्हीं भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा मा जबलपुर के तीरमा ठाकुर प्यारे लाल सिंह शहीद हो गए। ठाकुर साहेब आजादी पर जीवन भर लड़ाई लड़े और आजादी मिले के पाछू राज का संभालेला छोड़ के समाज के निर्माण मा लग गए। तो बच्चों यहाँ पर ठाकुर प्यारे लाल सिंह जो है जिनके पास भूमि नहीं था है ना, जिन जो गरीब मजदूर किसान थे उनके पास कोई भूमि नहीं थी, तो उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जो माल गुजार थे, माल गुजार मतलब बड़ा जो किसान है जिनके पास अत्यधिक मात्रा में जो है भूमि है, जिन्हें हम गौटिया भी कहते हैं, शब्द आपने सुना होगा, तो इनके लिए उन्होंने क्या किया, कार्य किया। वो माल गुजार के पास जाते थे और जमीन का कुछ हिस्सा जो है उनको दान करने के लिए कहते थे, ताकि उनके दान के हिस्से में जो भूमि आया है उसको वो, जो भूमिहीन किसान है जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए वो उन्होंने इस तरह से निस्वार्थ भाव से
किया। तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह का व्यवहार इतना सौम्य सरल था कि जिस भी माल गुजार के पास वो जाते थे, बड़े किसान गौठिया के पास, और उनकी भूमि जब वो कुछ हिस्सा दान के लिए मांगते थे तो वो बिल्कुल भी इनकार नहीं करते थे। सहज रूप से वो ठाकुर प्यारे लाल सिंह को अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दान कर देते थे। उकर जीवन और उकर काम काज कई पीढ़ी ला रद्दा दिखावत रही। तो इस प्रकार से बच्चों, ठाकुर प्यारे लाल सिंह का जो जीवन है, उनका जो काम काज करने का जो तरीका था, वो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने इस पाठ के माध्यम से देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे अनेक नेता हुए हैं जिन्होंने, महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया। तो ऐसे ही एक नेता ठाकुर प्यारे लाल सिंह थे जिसके बारे में अभी हमने जाना, जिन्होंने गरीब मजदूर वर्ग के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी, आजादी के असहयोग आंदोलन में भागीदारी निभाई उन्होंने निस्वार्थ भाव से, और उन्होंने जो है जनसेवा के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो बच्चों, यहाँ पर जनसेवा का क्या मतलब है? जिस प्रकार से ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने जनसेवा का कार्य किया ना, उन्होंने गरीब मजदूर किसानों के लिए लड़ाइयां लड़ी, तो जनसेवा मतलब क्या हुआ बताइए? सेवा हाँ, मानव सेवा है ना, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना, ये है जनसेवा, मानव सेवा। तो इस प्रकार से आज के युग में जो है युवा पीढ़ी को भी जनसेवा और मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए हम सभी को, करनी चाहिए। हमारा भी कर्तव्य है कि मैम। हम भी अपने स्तर पर ऐसे लोगों की क्या करें, सेवा करें निस्वार्थ भाव से, ठीक है? और जनसेवा और जो मातृभूमि की जो सेवा ही है जो हमारे राष्ट्र को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। जनसेवा से तात्पर्य आप सभी समझ गए यहाँ पर, मनुष्य सेवा से मानव सेवा से है। हम अपने परिवेश में बच्चों देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं, गरीब बच्चे भी होते हैं, कुछ व्यक्ति दीनहीन भी होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, इनकी सेवा हम सभी को क्या करना चाहिए, उनके हितों को ध्यान में रखकर हम सभी को निस्वार्थ भाव से ऐसे लोगों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर सेवा का अर्थ क्या समझ पा रहे हैं? सेवा का अर्थ क्या सिर्फ धन या पैसा देने से है क्या? सेवा का अर्थ पैसा या धन देने से ही होता है क्या? कि हम किसी व्यक्ति को पैसा ही देंगे धन के रूप में, तभी वह सेवा कहलाएगा क्या? बताइए बताइए, सेवा का अर्थ सिर्फ धन देने से, पैसा देने से होता है क्या? बताइए, नहीं। तो क्या होता है, हम दूसरों की सेवा और किस किस प्रकार से कर सकते हैं, किस किस प्रकार से कर सकते हैं बताइए, किस किस प्रकार से कर सकते हैं हम दूसरों की सेवा? जो भूखे व्यक्ति हैं है ना, हम उनको, अपने आप को म्यूट कीजिए, जिस बच्चे के घर से आवाज आ रही है म्यूट कीजिएगा। चलिए, तो हम और किस प्रकार से, हम म्यूट कीजिए अपने आप को, किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं? जो भूखे हैं है ना, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, ऐसे बच्चों को हम खाना खिलाकर उसकी सेवा कर सकते हैं, है ना? जिन बच्चों के पास कपड़े नहीं है, हम उनके कपड़े उपलब्ध करवा के उसकी सेवा कर सकते हैं, है ना, मानव सेवा कर सकते हैं। गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे हैं जिनको आवश्यकता है, उनके लिए हम निःशुल्क शिक्षा भी हम प्रदान कर सकते हैं। कारखाने में जो काम करते हैं है ना, या कहीं जो मजदूर हैं रोजगार के लिए गए हैं, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं, उनके साथ हम कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि हमें कभी भी ऐसा कोई अवसर प्राप्त होता है मानव सेवा करने का, तो हमें उस कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए, ठीक है बच्चों? और अपनी मातृभूमि की रक्षा हम और किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार से और योगदान दे सकते हैं?
हमारे पास जितने प्रकृति प्रदत्त विभिन्न प्रकार के हमारे पास प्रकृति के द्वारा दिया हुआ संसाधन उपलब्ध है, उसका हम समुचित उपयोग करके भी हम मानव सेवा या मातृभूमि की रक्षा में अपना सहयोग हम दे सकते हैं। अतः बच्चों, जहाँ तक हो सके हमें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा उसकी त्याग व समर्पण का भाव ही हमारे अंदर होना चाहिए और हमेशा इसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमेशा हमें आगे रहना चाहिए। चलिए बच्चों, कुछ अपरिचित शब्द हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाठ पढ़ते समय हम कुछ शब्दों को वहां पर जान चुके हैं, कुछ और भी शब्द हैं इसमें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला अपरिचित शब्द है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं बोध प्रश्न की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर साहब के का योगदान रहिस, ठीक है, तो उस समय के सीपी बरारमा जब कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी, सर डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री बने, छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना इकर अगुवाई मा करेगी, जिन्हा छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रहीस, आज ये है प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हवे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के का मतलब होते और प्यारे लाल के भूदान आंदोलन मा का योगदान रहीस, बताइए बच्चों, कोई भी एक बच्चे बताइए भूदान आंदोलन का क्या मतलब है, बताइए। भूदान आंदोलन के मतलब है कि भूमिहीन खेतीहार मजदूर ला भूस्वामी बनाना। भूदान आंदोलन में ठाकुर प्यारे लाल सिंह हाँ अपन सिपाही के जैसे काम करें तो मन जिन गांव में जावे वहां माल गुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा ला दान कर दे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, और भी प्रश्न आपके पाठ के पीछे में दिए हुए हैं, उसे आप स्वयं से अपनी समझ से अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं, ठाकुर साहेब जनसेवा के अब्बड़ काम करे, ठीक है बच्चों। हमने इस पाठ के माध्यम से जाना भी कि ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने किस तरह से जनसेवा का उन्होंने कार्य जो है निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए किया। तो जनसेवा के काम मतलब होते, तू मन ला जनसेवा के मौका मिल ही तक आका करो। तो बच्चों चलिए बताइए आप कि जिस तरह से त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने जनसेवा का कार्य किया निस्वार्थ भाव से, तो उसका क्या मतलब होता है? और अगर ऐसा अवसर आपको प्राप्त होता है, आपको मिलता है, तब आप क्या-क्या कार्य करेंगे, बताइए बताइए, क्या-क्या कार्य करेंगे बताइए, कि ऐसा अवसर आपको भी मिलता है अपने जीवन में कभी, तो आप किस तरह के कार्य करेंगे बताइए। नहीं करना चाहेंगे जनसेवा का कार्य, कि करना चाहेंगे बताइए, करेंगे, तो खाने कैसे करेंगे, तो बताइए बच्चों। जैसे हाँ बताइए देंगे, बताइए, कपड़े की आवश्यकता होगी तो कपड़े देंगे, खाना अच्छा, और बताइए, और किस तरह के कार्य खाना करेंगे आप। देंगे देंगे मैम, की आवश्यकता खाना देंगे मैम, खाने पीने की चीजें। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों, आपने देखा होगा जब नवरात्रि के समय बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं पैदल यात्रा पर जाते हैं, आपने देखा होगा, देखा है या आप भी जाते होंगे। तो जब आप रास्ते में जाते रहते हैं तो आपको वहां पर कुछ ऐसा जनसेवा वाला कोई कार्य देखने को मिला है यस मैम, क्या, बताइए बताइए, क्या जनसेवा वाला कार्य आपने देखा, बताइए। खाने पीने की बहुत तरह का हाँ, खाने पीने की, पानी की व्यवस्था आपने देखा, और क्या देखा है? तो ये भी क्या चाय है, ये भी जनसेवा है, मानव सेवा है, निस्वार्थ भाव से है। यस मैम, हम हाँ, जब आप लोग लोग पैदल जाते हैं, डोंगरगढ़ यात्रा पर निकलते हैं यहाँ से या किसी और भी जगह पर, तब आप देखते होंगे नवरात्रि के समय की जगह जगह पर बीच बीच में जो है एक पंडाल ऐसा लगा रहता है, वहां पर पानी की व्यवस्था होती है,
है ना, नाश्ते की खाने पीने की व्यवस्था होती है, आपके सोने के लिए भी वहां पर बिस्तर लगा हुआ होता है, रात्रि में विश्राम के लिए लगा हुआ होता है। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र भी वहां पर ऐसे छोटा छोटा लगा रहता है, अगर आपको तबियत खराब है, कुछ चीजें जरूरत है दवाइयों की, तो वहां पर आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। कई जगह हम देखते हैं कि निःशुल्क धर्मशालाएं भी जो व्यक्ति है मानव सेवा के लिए खोल कर रखते हैं, तो ये भी क्या है, मानव सेवा है निस्वार्थ भाव से। और क्या हो सकते हैं बताइए, याद कीजिए, हम दूसरों की भलाई के सहानुभूति, लिए, हाँ दूसरों की भलाई के लिए हम और क्या क्या कार्य करते हैं, लोगों की सेवा के लिए और क्या क्या कार्य करते हैं हम इसके अलावा, आपने देखा होगा अभी आपने वर्तमान में जब कोरोना काल आया था, महामारी फैला हुआ था मार्च अप्रैल में बहुत ज्यादा, तब आपने क्या देखा, उस समय ऐसा कोई कार्य हुआ था क्या लोगों की भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए ऐसा कोई कार्य होते हुए देखा आपने, देखा था, जिसके घर से यस आवाज आ रही है म्यूट कीजिएगा, ठीक है, क्या देखा था आपने बताइए। कोई एक बच्चे बताइएगा इसे, है ना, एक साथ मत बताइएगा, एक एक करके बताइएगा, क्या क्या आपने देखा महामारी के समय, आपने ऐसा क्या देखा जो दूसरों की भलाई वाले कार्य हुए थे क्या, बताइए बताइए जल्दी से बताइए, आपने क्या क्या राशन देखा। अच्छा हाँ, जिनके पास खाने की चीजें नहीं है, लॉकडाउन हो गया था, सारी चीजें बंद हो गई थी, जिनके पास खाने खाने के लिए नहीं था, तो क्या कर रहे थे, उनको खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था उनके लिए की गई थी। त्रिषा साहू अपने आप को म्यूट कीजिए, जब बोलना हो तब अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। और क्या देखा आपने, जिसको बोलना है वही अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है, चलिए बताइए, और क्या देखा था आपने, जिसके पास खाने की चीजें नहीं थी उनको खाने की चीजें उपलब्ध कराई गई, भोजन उपलब्ध कराया गया, और क्या देखा था आपने, पर्सन क्या चीज, पर्सन आपकी जो आवाज है वो स्पष्ट नहीं है इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपने मास्क और क्या। सैनिटाइजर थी मैम। अच्छा, जो पैदल यात्री थे जो बाहर गए हुए थे दूसरे राज्य दूसरे जिले, उनके लिए भी व्यवस्था की गई वहां से उनको उनके घर तक उनके गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे जो है बाहर पढ़ने भी गए थे, है ना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोचिंग सेंटर में वगैरह में बाहर थे, तो ऐसे बच्चों के लिए भी सरकार के द्वारा भी या अनेक संस्थाओं के द्वारा उनको यहाँ लाने की व्यवस्था की गई। तो ये सब भी क्या है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य है, मानव सेवा है, जब उनको जरूरत होती है तब उनको वो जो कार्य वो उपलब्ध कराया गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमें, हम सभी को हमेशा समाज सेवा के लिए दूसरों की सेवा के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपना जो जीवन है वो समर्पित करना चाहिए, और किस तरह से, निस्वार्थ भाव से। जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो कभी भी हमारे अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, जब भी हम मानव सेवा का कार्य करते हैं दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा हृदय जो है साफ स्वच्छ होना चाहिए, हमारे अंदर कोई भी गलत धारणा नहीं होनी, पैदा नहीं होनी चाहिए, और समर्पण भाव के साथ हमको कार्य करना चाहिए, तभी हमारा जो मानव सेवा का जो कार्य है वो सार्थक होगा, ठीक है बच्चों। हम देखते हैं कि बच्चों कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आती है, प्राकृतिक आपदाएं मतलब भूकंप आता है, बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है, तब भी क्या होता है, हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के मदद के लिए आगे आते हैं, आते हैं, क्या मैम मदद करते हैं हम सब मिलकर क्या करते हैं, पैसा जिनको इकट्ठा करते आवश्यकता हैं। है ना, बाढ़ आता है तो कई बार क्या हो जाता है, पानी पूरा किसी गांव में भर जाता है, तब ऐसे लोगों की मदद के लिए हम सभी क्या करते हैं, आगे आते हैं, तो ये भी क्या है, एक मानव सेवा है। चलिए, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ से बहुत सारे प्रेरणाएं मिली होंगी कि किस तरह से हम भी अपने जीवन में मानव सेवा का कार्य निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं, और आगे हम भी जो है इस तरह से कार्य अपने जीवन में करेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं।
ये है बच्चों प्रत्यय, ठीक है। हाँ तो आप जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर जो है नया शब्द बनाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रत्यय शब्द इया शब्द लगा हुआ है, जो इस पाठ में आया है वही हमने लिया है, ठीक है। और मूल शब्द क्या है? जूझना, पढ़ना, रेंगना, खेलना, लुआ, मांगना। इसमें हमने इस मूल शब्द के अंत में क्या जोड़ दिया? इया प्रत्यय। तो क्या बन गया नया शब्द हमारा? जुझैया, पढ़ैया, रेंगैया और रेंगैया, खिलैया, भैया, लुवैया, लुवैया, मंगैया। तो इस मंगैया। तरह से प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, ये कुछ युग्म शब्द आपको दिख रहे हैं, है ना। जैसे हम अपने साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि चलो चाय वाय पी लेते हैं, चाय वाय पीबो, चाय वाय दो, ऐसा करके बोलते हैं हम। तो चाय तो सार्थक शब्द है, इसका अर्थ है, लेकिन वाय जो हम बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस पाठ में ऐसे और भी शब्द आए हैं जिसको हमने लिया है, तीर्थखार, मानगौ, गहना गूठी, लईका पिचका, संगे संग, जी जान, पलछिन, रुख राई, चीव चाव, चिरई चुरगुल, जन जागरण। तो ये सभी शब्द क्या है? युग्म शब्द है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ मुझे शब्द दिख रहे हैं, कैसे सब प्रकार के शब्द लग रहे हैं आपको, बताइए, थोड़ा बताइए। अनियाव लिखा है कहीं पर, नास लिखा है कहीं, नियाव लिखा है कहीं, विदेश। तो क्या लग रहा है आपको? जैसे अनियाव, अनियाव का मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्या होगा? नियाव, ठीक है। तो अनियाव और नियाव, तो ये कैसे शब्द हुए? सुलभ हाँ, सुलभ का दुर्लभ, और स्वदेशी का, दुर्लभ हाँ बताते जाइए, और सुरता, सुरता का, देसी सुरता निर्माण, नरम। हाँ कड़क का नरम, और दुरिया, दुरिया का, दुरिया दुरिया का, दुरिया दुरिया तीर तखार, और निर्माण का नाश, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, या ये पर्यायवाची शब्द है क्या, कि किसी शब्द का अर्थ है, क्या समझ में आया? पर्याय कैसे शब्द है ये, क्या है ये विलोम बताइए? इसके पहले भी आप बना चुके हैं, अन्य पाठों में बना चुके होंगे। शब्द, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये सारे शब्द विलोम क्या थे? एक दूसरे के विपरीत थे, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये उसी का है बच्चों, सही वाला, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस पाठ में बच्चों कुछ अंग्रेजी शब्द भी आए हैं, उसे हम देख लेते हैं। कौन कौन से हैं बताइए? कुछ अंग्रेजी शब्द आए हैं इसमें, जिसका हम हिंदी में वैसे का वैसा ही उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए बच्चों, आप सभी का इस कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस यहाँ पाठ से, इस कहानी से, आपको छत्तीसगढ़ी पाठ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अंत में बच्चों गृह कार्य नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसे करके आप अपने एक अच्छा शिक्षक को, या अपने घर में आप अपने पालक को, माता पिता को दिखा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।